الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله صلوات محرم کی آٹھویں تاریخ بھی ختم ہو رہی ہے اور ایسے موقع پر درد اس کا ہے کہ بولنے والے کی صلاحیتوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اور اس ناسازی مزاج کے عالم میں میں نے یہی طے کیا کہ کسی صورت یہاں حاضری دے دوں تاکہ تھوڑا سا وقت آپ کا مصروف گزرے. صداقت اور عدالت کے ساتھ تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا. صداقت اور عدالت کے ساتھ تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا. وہ سننے والا بھی ہے علیم بھی ہے. خبردار اکثریت کی اطاعت نہ کرنا. ان تطے اکثر من فلاس یذلو کان سبیل اللہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ان یتبعون الا الظن یہ فقط گمان و تخمین کی پیروی کرتے ہیں اپنے اندازوں کی پیروی کرتے ہیں. انہم لا یخرسون یہ جھوٹ بولتے ہیں. کلام مجید میں جگہ جگہ اکثریت کی مذمت کی گئی. اکثرہم لا یعقلون اکثریت کو عقل نہیں ہے. اکثرہم لا یؤمنون اکثریت بے ایمان ہے. کلام مجید میں اس آیت نے بتلایا کہ اکثریت کی پیروی انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے اور کلام مجید نے قلت کے متعلق کہا قلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں.
बहुत कम शुक्रगुजार हैं। तो सिद्ध को आदल सबके पास नहीं होता, सिद्ध को आदल बहुत कम मकामात पे पाया जाता है। सबसे पहले अगर बिज़ात है तो ज़ाते वाजिब में है, मेरे लफ्जों को गौर कीजिए, अगर बिज़ात है सिद्क व अदल तो ज़ाते वाजिब में है, खालिक कुल में है, हय क़य्यूम में है, लम यज़ल ला यज़ाल में है, वो ऐन सिद्क है ऐन अदल। अदल इतना कि ला युबद्दल अल-क़ौलु लदय्या वमा अना बज़ल्लामुन लिनबीय, मेरा कौल बदलता नहीं है, मैं बंदों पर ज़ालिम नहीं हूं, जो कहा गया वही कहा गया। और आयने सिद्क ऐसा कि जैसा कि कल कह रहा था, मन अज़दक़ु मिन अल्लाहि क़ीला मन अज़दक़ु मिन अल्लाहि हदीसा, सूरह निसा, अल्लाह से बढ़कर सच बोलने वाला और अल्लाह से बढ़कर सच्ची बातें बयान करने वाला कौन है। उसने जिस वही को नाजिल किया वो आयने सिद्क है, उसका नाम ही असिद्क, अल्लज़ी जा बिस्सिद्क व सद्दक बिही उलाएका हुमुल मुत्तकून, जो सिद्क को लेकर आया और जिसने तस्दीक की यही मुत्तकी हैं। एक सिद्क को लेकर आता है, एक तस्दीक करता है, यही मुत्तकी हैं। बहरहाल चूंकि इल्मी गुफ्तगू है इसलिए कुछ देर मेरे साथ चलिए। गुफ्तगू ये थी कि सिद्क व अदल बिज़ात ज़ाते वाजिब में, जो ज़ाते वाजिब से करीब हुआ उसमें सदाकत भी है अदालत भी है, जो ज़ाते वाजिब से दूर हुआ उसमें किज़्ब है ज़ुल्म। और दूरी और नजदीकी कुरान से साबित है, कुरान ने कहा बोधन लिकौम ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों के लिए बोध ही बोध है, दूरी ही दूरी। और नजदीकी कल गुफ्तगू हो चुकी, पैगंबर इस्लाम से बढ़ के कौन नजदीक होगा, नूर अव्वल सुबह अव्वल अक्ल अव्वल दना फतदल्ला फकाना कावा कौसैन अवना, इतना नजदीक हुआ कि मजहर मशीयत तकवीनी इलाही बना और मुजहर मशीयत तशरीफी इलाही करार पाया। उसके पास तकवीन की मजहरियत भी है, तशरी की मुजहरियत भी है। मजहर वो है जो आईना बने, मुजहर वो है जो इजहार करे। शरीयत का मुजहर है, आलम तकवीन में मजहर है। आईना मुहम्मदी में इतनी जिला है, इतनी सफाई है कि लकद राहू नजलता नुकरा लकद राहू बिल उफ़क़िल मुबीन, कभी उफ़क मुबीन पर देखा, कभी आते हुए देखा, जलवाए रब को देखा, आवाज दी उस आईने ने, मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। तो याद रखेंगे मोहम्मद मजहर मशीयत तकवीनी इलाही भी है, मोहम्मद मुजहर मर्जी तशरीई इलाही भी है, वहां किताब अनफुस आफाक का मजहर है मोहम्मद, और किताब कुरान नातिक है मोहम्मद, बोलने वाला कुरान है मोहम्मद। अनफुस आफाक की किताब भी वहां है, शरीयत की किताब भी वही है, उससे बढ़ के कौन सादिक अमीन हो सकता है। उस सादिक अमीन ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। अब अगर किसी ने हुसैन की शान में नासजा कहने की कोशिश की तो जो जुमला हुसैन के लिए कहा है वो मोहम्मद के लिए कहा है। आप समझ गए, अगर हुसैन इब्ने अली के लिए किसी ने बदकलामी की किसी ने, तो गोया उसने शान कतनी मर्तबत में गुस्ताखी। और
हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन के एतबार से हदीस है, हदीस के एतबार नहीं। हुसैन सादिकीन के उस गुरोह में से है कि मुबाहला वाके नहीं हुआ मक्के में, मुबाहला वाके नहीं हुआ दो हिजरी में, तीन हिजरी में, चार हिजरी में, मुबाहला वाके हुआ नौ आठ हिजरी में, ताकि हुसैन इस काबिल हो जाए कि नाना के साथ मुबाहले की मंजिल पर आकर झूठों के मुकाबले में अपनी सदाकत का ऐलान करे। तो हुसैन मुबाहले में है, अब नाना की मंजिल पर, हुसैन कुर्बा में है, हुसैन आये तथीर में है। अगर हुसैन के नाना पे सदका हराम है तो हुसैन पे भी सदका हराम है। हुसैन की मंजिल इतनी मंजिल कुर्बत मुहम्मदी है, इस कदर करीब है मुहम्मद के कि कुरान ने कहा अल्लज़ीन आमन वत्तबअतुम ज़ुर्रियतहुम बेईमानिन फलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शय। वो लोग जो ईमान लाए और उनकी ज़ुर्रियत ने ईमान में पैरवी की तो हमने उनकी ज़ुर्रियत को उनसे मुलहक कर दिया। ये इल्हाक ज़ुर्रियत है हुसैन मिन्नी। ये आयत की तफसीर है कि वो लोग जो ईमान लाए और उनकी ज़ुर्रियत ने पैरवी की हमने ज़ुर्रियत को मुलहक कर दिया। खुदा जिसको मोमिन कहे अगर दुनिया उसको काफिर कहना चाहे तो जाहिर है कि बजुज़ इसके कि कोई आफ्ताब पे थूकने की कोशिश करे, इसका और कोई हमारे पास नमूना नजर नहीं आता, हमारे पास नमूना नजर नहीं आता। बहरहाल हम नहीं चाहते हैं कि किसी मौके पर भी कोई गलत फहमी हो और कोई गलत तसव्वुरात कायम किए जाएं हमारे मुतालिक। हम अपने लिए हर चीज को बर्दाश्त करने को तैयार हैं, अपने लिए हर बात को सुनने को तैयार हैं, मगर हुसैन बहुत मजलूम है। आपने सुना हुसैन बहुत मजलूम है, इसलिए हम हुसैन के लिए या शहदाए करबला के लिए किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब वो तबाअत की गलती हो, लिखने वाले की गलती हो, अमदन हो, सहवन हो, बारह लिखा गया कि छठी मुहर्रम को कुफार से लड़ने के लिए इस्लामी लश्कर 4,000 की तैदाद में हजरत उमर साद रजी अल्लाह अनहु की सरकर्दगी में करबला पहुंचा। आज का जंग लिखा गया, पटेल पार्क में कौम ने अपना फैसला सुना दिया। उसकी आवाज आपको ताज्जुब होगा, इस वक्त तक दुबई, मस्कत, बहरीन, मशरक वस्ता, यूरोप, पिंडी और हिंदुस्तान तक पहुंच चुकी है। इसलिए आप मुतमईन रहें, आप अपनी हद तक मुतमईन रहें, यानी जो कुछ सोचा जा रहा है जिस तरीके से सोचा जा रहा है सही है। अपनी हद तक आपने यह फैसला किया कि आप ये अखबार नहीं पढ़ेंगे, आपका फैसला सही है, आपका फैसला सही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर यह चाहता हूं कि अमल की हद तक आपकी मर्जी है, आपका इख्तियार, जिस तरह से चाहे अमल करें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, कोई और अखबार पढ़ें, रोजनामा ही तो पढ़ना है, किसी से लगाओ क्या है, किसी से रिश्ता क्या है। मगर मैं नहीं चाहता कि जज्बात का आजादाना इस्तेमाल हो, मैं नहीं चाहता कि जज्बात का आजादाना इस्तेमाल हो। एक बात को आपने तय किया बड़े इत्मीनान के साथ, कौम ये काम नहीं करेगी। आपसे उर्दू डॉन के लिए 1951 में यह तय किया था, याद आया आपको? मैं पहले खुरासान की मेरी तकरीर याद है आपको कि आपने उर्दू डॉन के लिए क्या तय किया था? आपने तय किया और
दुनिया ने देख लिया अनजान क्या हुआ, और यहां आपने तय किया और जो कुछ तय किया उस पर अमल कीजिए, अपने जज्बात आपने जाहिर कर दिए, बस उस जज्बात की हद तक आप रहें। और इत्तलाआत पहुंच चुकी हैं जिम्मेदार हुकूमत के बासर अफराद, और ये वो लोग हैं जो बड़े साफ और वाज़ह दिलो दिमाग से सोचते हैं। हमारा कराची का एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दी, मैं समझता हूं अभी तक रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी लाहौर को। हम मुतमईन हैं कि आप जैसे आवाज बुलंद करते हैं वो आवाज जाती है। ये सब क्यों होता है? फकत इसलिए कि ममलकत को, इंतजामिया को, पुलिस को, सबको इसका यकीन है कि अगर शराफत कहीं है तो अली के दोस्तों में। अब आपने सुन लिया, इसलिए कल का जुलूस इत्मीनान से गुजरेगा, परसों का जुलूस इत्मीनान से गुजरेगा। हमारी जिम्मेदारी है, हम ये बतलाना चाहते हैं कि हम उन लोगों में से कि हमने अपने मौला को इस शान से देखा है 19 की रमजान की सुबह को कि कातिल को जामे शीर दिया है। मसाइल को हम सोचते हैं मगर अपनी हदों को नहीं तोड़ते। इस एतबार से जो कुछ आपने तय किया उसी पे आप अमल करें, लेकिन नज्म व ज़ब्त का ख्याल रहे। कल बड़ा अजीब दिन है, कल बड़ा अजीब दिन है, नवी मुहर्रम, और आज की रात ही अजीब रात है। इसलिए अब मेरे साथ आप रोते चले, यहां रोएंगे, खारादर में रोएंगे, ईरानियान में रोएंगे। अब इस वाकये को कल सुबह तक बिल्कुल आप भूल जाए, ये काम करने वाले काम कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया था वो तम्मत कलिमत रब्बे का सिद्क व अदला, मुझे इसी पर गुफ्तगू करना है। और अजब नहीं कि ये आयत का उन्वान भी इसीलिए हुआ था कि 8 तारीख को इस आयत की आखिरी तफसीर बयान हो, और वो आखिरी जरूरत यह है कि सिद्क व अदल जहां बिज़ात हो, बहुत तवज्जो से सुनिए, उसके इशराकात को अपने आईने दिल में कबूल करने वाला फिर किज़्ब व ज़ुल्म के आगे सर नहीं झुकाता। आप समझते जाइए, सिद्क व अदल के इशराकात को कबूल करने वाला, उसकी तजल्लियों को कबूल करने वाला गैरे सिद्क व अदल को कबूल नहीं करता, उसके शीशे दिल में, आईने दिल में जगह ही नहीं है। बातिल के लिए जगह नहीं है, बातिल के लिए जब जगह नहीं है तो कंप्रोमाइज का सवाल क्या है? कंप्रोमाइज का सवाल क्या है? वो सिद्क व अदल के अलावा किसी को कबूल ही नहीं करता तो कंप्रोमाइज का क्या सवाल? वहां सदाकत है, अदालत है, सिद्क व अदल के साथ सोचता। हसन इब्न अली मकाम है सुलह पर, दुनिया यही पूछती रही एक भाई ने सुलह की, दूसरे भाई ने जंग क्यों की, मगर दुनिया ने न सुलह को पहचाना न जंग को पहचाना, दुनिया ने न सुलह को पहचाना न जंग को पहचाना। सुलह वो थी कि ताव नशीनत आतशे पैकारों की पुष्ट पावत बरसरे ताजो नगी, कितने की आग को इस्लाम से मिटाने के लिए ठोकर मार दी हसन इब्न अली ने। सुलह के माना ये थे कि हसन बतला रहे थे कि मोहम्मद अरबी इख्तियारात कुल्ली के बावजूद, मजहर ताम में इलाही होने के बावजूद सुलह हुदैबिया पे मजबूर है। हसन इब्न अली बतला रहे थे कि तुमने अभी नाना को नहीं पहचाना, और अगर उस सुलह में किसी को शक है तो आज भी शक रहेगा। चुनाचे हसन इब्न अली ने सुलह की राह पर
करबला को लाके डाल दिया। दोनों इमाम हैं, दोनों मासूम हैं, दोनों दूर तक देख रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं, और जमाने के लामुतनाही सिलसिले पर नजर है। हसन चाहते हैं कि अभी लड़ाई न हो, अगर ये लड़ाई हुई तो फिर कोई भी न बचेगा, कोई भी न बचेगा, और फिर जिस अम्र अहम के लिए क़याम करना है वहां लश्कर न मिलेगा, हुसैन को लश्कर न मिलेगा। तय किया, और सुलह की इस बिना पर, जंग की वो बिना कायम है जिसको जहाद हकीकी कहते हैं, जिसको जहाद हकीकी कहते हैं। मासूम की जंग जहाद है। हसन इब्ने अली से हुसैन इब्ने अली तक तकरीबन इस सुलह से लेके उस जहाद तक 20 बरस का फासला है। अब्बास 10 या 11 साल के हैं सुलह हसन के मौके पर, अब्बास 32 बरस के होंगे करबला, करबला में 32 बरस के होंगे, अली अकबर 18 साल के होंगे, औनो मोहम्मद 9-10 बरस के होंगे, कासिम इब्ने हसन का सिंह 13 बरस का है, बनी हाशिम सब के सब हुसैन के गिर्द। एक अजब नक्शा है शोहदाए करबला का। मैंने कल कहा था पंजतन पाक की नुमाइंदगी हो रही थी करबला, पंजतन पाक की नुमाइंदगी हो रही थी करबला, मगर सबसे ज्यादा जिस पर नजर है सारे लश्कर की, अंसार की नजर है तो अब्बास पे, अइज्जा की नजर है तो अब्बास पे। अली अकबर देखते हैं अपने चचा को, कासिम देखते हैं अपने अम्मू या मोहतरम को, हुसैन देखते हैं अपने भाई को, ज़ैनब पुकारती हैं अब्बास इधर आओ, सकीना कहती हैं चचा जान इधर आइए, हर एक के लिए महवर नजर अब्बास है। पूरे काफिले में सबकी निगाह एक पर है, इसलिए अब्बास को क्या कहते हैं, कमरे बनी हाशिम। अब्बास बनी हाशिम का चांद, बनी हाशिम का चांद। तो मैंने कहा आयत की तफसीर हकीकी सुनो, वो ये है कि जब अब्बास रुख्सत लेने लगे तो बेख्तियार इमाम की जबान पे ये आयत आई। मैंने बार बार कहा है कि हर शहीद के वक्त इमाम ने एक आयत पढ़ी है। अली अकबर जा रहे थे तो अली अकबर के जाते हुए जो आयत हुसैन ने पढ़ी वो ये थी, इन्नल्लाहा अस्तफा आदमा व नूहन व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। अब्बास की रुख्सत के वक्त यह आयत पढ़ी, अब्बास की लाश पे भी यही आयत पढ़ी, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا। मर्दान खुदा में ऐसे सच्चे भी हैं जो अपने आज की वफा में अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं। من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه, अल्लाह से जो वादा किया था उसको पूरा कर देते हैं, उनमें से कुछ लोग मर चुके, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी तरफ इशारा किया। ये आयत अबुल फजल के लिए पढ़ी गई है। आपने देखा रिजाल में वो जिन्होंने अपने अहद को सच्चा कर दिखाया। अब्बास की वफा तो मशहूर है, अब्बास से इत्तेफाक से कई चीजें मशहूर है, कई चीजें मंसूब है। अब्बास की वफा, मशके अब्बास या मशके सकीना, अब्बास का आलम, पर्दादारी हराम, सकाई अहले बैत, हिफाजत हुसैन, अलमदारी लश्कर, कितनी चीजें इस शाहजादे से मंसूब हैं। बहरहाल चूंकि ये हमारी जिंदगी का खुलासा है, इसलिए ये आखिरी जुमले सुन लो, हम सब
हम सब अपनी हैरानी में, अपनी तन्हाई में, मालूम नहीं क्यों हम फलसफा नहीं बयान कर सकेंगे, मगर मालूम नहीं क्यों जब कभी परेशान होते हैं, हमारे बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें, सब के सब अब्बास 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 अब्बास, सब के विरदे जबान है अब्बास, सब के विरदे जबान है। और आठवीं मुहर्रम अब्बास के नाम से वाबस्ता है, पानी लाने के लिए जा रहे हैं अब्बास, अब्बास सकीना के लिए पानी लाने जा रहे हैं। तो कल मैंने ये वाकया बयान किया था किसी मकाम पर कि हुसैन ने जैसे ही अब्बास को खेमे से निकलते देखा, सकीना गोद में है अब्बास के, एक मश्क हाथ में है, तो पुकार के कहा, अब्बास मैं समझ गया, अब्बास मैं समझ गया तुम अपने सिफारिशी को लेके आ रहे हो। ये कह के सकीना को गोद में लिया, कहा सकीना जानती भी हो क्या करती हो बेटी, सकीना बहुत याद करो जी चचा को, सकीना चचा को खो के पछताओगी। सकीना हैरान है कि बाबा क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहा, चुप हो गई, गोद से उतर गई। बहरहाल मुझे सिर्फ दो जुमले और कहने हैं। शहजादी ज़ैनब ने अजीब अंदाज में अब्बास को खुदा हाफिज कहा और कहा, अच्छा अब्बास जाओ, अच्छा अब्बास जाओ। अब मुझे यकीन हो गया कि ज़ैनब दरबदर फिरेगी, अब मुझे यकीन हो गया कि ज़ैनब के बाजुओं में रस्सी बंधेगी। अब्बास जाओ, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, यह आखिरी जुमला है तकरीर का, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि सुबह से अली अकबर शहीद हुए, कासिम शहीद हुए और मोहम्मद शहीद हुए, मगर बीबी आंखें में से बाहर नहीं